नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनावों में 5 सीटें हारने के बाद में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि लगातार 5 सीटें बीजेपी ने जीती तो वहीं पर 5 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं, और वहीं प्रदेश के सीएम ने भी इसी को लेकर सीएम सैनी अंबाला में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्ष पर जमकर भड़ास निकाली। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि बीजेपी घर घर जाकर कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश करेगी। जो फॉर्म कांग्रेस ने भरवाए थे उसके मुताबिक अब 8,500 रुपए दें। इसके साथ ही सीएम सैनी ने यह भी कहा कि कांग्रेस झूठ की नींव पर खड़ी हुई है और आने वाले चुनाव में इनका सुपड़ा भी साफ होगा और कांग्रेस कहीं नजर नहीं आएगी। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान और जल संकट को लेकर दिल्ली के आरोपों पर भी प्रतिक्रिया दी है। चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के उस झूठ को घर घर जाकर के पर्दाफाश करने का काम करेगी। जो कांग्रेस ने झूठ के ऊपर अपनी नींव को खड़ा करने की कोशिश की है, लोगों के बीच में झूठ बोल करके और भ्रम फैला करके कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, कांग्रेस ने आज तक देश प्रदेश के लोगों के हित के लिए कोई भी ऐसी योजना नहीं लेकर के आई जिसको उनको लाभ मिले। नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10 वर्षों के अंदर हर योजना लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए चलाई। देश को आज इन 10 वर्षों के अंदर मजबूती से विकास की गति के ऊपर बढ़ाने का काम किया। कांग्रेस लगातार झूठ बोल करके मोदी के उन कार्यों को दबाना चाहती है, परंतु भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कांग्रेस के इस झूठ को अब बिकने नहीं देगा। मजबूती से खड़ा होकर के उनके उस झूठ का पर्दाफाश करने का काम करेगा। जो लोग बोलते थे, जिन्होंने फार्म भी भरे हैं, इस प्रकार के फार्म भरे हैं कि आपके हर महीने 8,500 रुपए आएंगे, देना कांग्रेस के लोग कहां से देंगे, दें वो कहां से देंगे। अरे, लोगों के बीच में झूठ बोल करके इस प्रकार का भ्रम फैला देना और ये बात कह देना मंच के ऊपर खड़ा होकर के संविधान की बुक लेकर के कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, कि संविधान खत्म हो जाएगा। अरे, इस संविधान को ना कभी किसी ने खत्म किया है, ना कि ये खत्म होगा। संविधान के अनुरूप देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। कांग्रेस के समय के अंदर तो ये देश उस संविधान को भी अपमान करने का काम इन लोगों ने किया है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस के जो लोग हैं ये झूठ की नींव के ऊपर खड़े हुए हैं, जल्दी ही इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये कहीं दिखाई नहीं देंगे। आज हर समस्या का समाधान हमारी सरकार कर रही है और लोगों के लाभ पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर डबल इंजन की सरकार ने काम किया है। कांग्रेस के लोग ये बात बोलते हैं, नौकरियों की बात करते हैं। मैं बार बार इस बात को लेकर के बोलता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात को बताए कि मेरी 10 वर्ष तक सरकार रही है, कितने युवाओं को रोजगार दिया है, किस आधार के ऊपर दिया है। कांग्रेस के नेता भी मंचों के ऊपर बताएं, परंतु हमारी सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देकर के उनको सम्मान देने का काम किया। देखिए, जिन लोगों की सीटें ही मात्र 100 तक भी आंकड़ा नहीं पहुंच पाया, 3 डिजिट में भी जिनका आंकड़ा नहीं पहुंच पाया, वो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी 241 सीटें लेकर के 303 सीटें लेकर के तीसरी बार सरकार बनाई है, मजबूत सरकार बनाई है, और उसको ये इस प्रकार की बातें करते हैं। कांग्रेस बौखला चुकी है, कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, कांग्रेस के पास सिर्फ झूठ फैलाने के लिए है और कुछ नहीं है। इस बात को हमारा कार्यकर्ता मजबूती से इनका पर्दाफाश दलित समाज के अंदर भी जाकर के, ऐसी समाज के अंदर भी जाकर के इनके के झूठ का पर्दाफाश करने का काम करेगा। जो मोदी जी ने काम करे हैं उसका बताने का काम करेगा। देखिए, बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, बहुत बड़े मैंडेट के साथ, और कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी। कांग्रेस के जो पाप हैं, 7:30 वाली यहाँ पर हेडलाइन थी, इसमें 4 लिखा हुआ है, तो मैंने वो फर्स्ट सेकंड सही थी और जो थर्ड वाली पढ़ी ना वो अलग थी, तो यहाँ से वो वाली थर्ड और फोर्थ वाली मैंने पढ़ी नहीं, गलत नहीं गई है कुछ, फर्स्ट सेकंड ठीक था, लेकिन यहाँ पे जो अंबाला और इंद्री वाली थी वो दोनों अलग थी, यहाँ पे 4 बजे में, यहाँ पे भी 4 लिखा हुआ है 7:30 पे।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार सोनीपत में बीजेपी कार्यालय पहुंचे और इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव के हर घर में जाकर लोगों को बीजेपी द्वारा किए गए जनहित कार्यों से अवगत कराएं। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा गरीबों को प्लॉट पर कब्जा और रजिस्ट्री दिलवाने का कार्य जो है वो पूरा करवाया जा रहा। देश के प्रधानमंत्री ने विकास कार्यों को जो रोड मैप तैयार किया है उस पर कार्य शुरू हो चुका है। हमने आज तय किया कि सभी हमारे जो विधानसभा के प्रभारी और संयोजक और हमारे जिला के प्रभारी और संयोजक और हमारे पार्टी के कैंडिडेट उस नौ के नौ विधानसभा में कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे, जो पन्ना प्रमुख से लेकर ऊपर तक सभी कार्यकर्ता उस मीटिंग में होंगे और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम करेंगे और निश्चित तौर से हम तीसरी बार भी हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएंगे। अंबाला संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए वरुण चौधरी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से सत्ता में आएगी। उन्हें दुख है कि मुलाना वासियों ने भी जो जिम्मेदारी दी थी समय से पहले उसे छोड़ना पड़ा, लेकिन अंबाला संसदीय क्षेत्र की जनता ने उससे भी बड़ी जिम्मेदारी दी है जिसे वे पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। देखिए, बहुत जन जन का साथ मिला है और विधानसभा वार जो है धन्यवाद कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मैं पहले दिन से कहता आया कि ये जो चुनाव है ये जन जन ने लड़ा है और जन जन ने जीता, तो आज मेरी तरफ से ये आभार जो है हृदय की गहराइयों से हाथ जोड़कर मैं सभी का, खास तौर पे यमुनानगर विधानसभा वासियों का करने के लिए आज आया। अंबाला कैन टांगरी नदी में हुए अतिक्रमण का मुद्दा गहराने लगा। इसी को लेकर स्थानीय लोगों ने एक वेलफेयर एसोसिएशन का गठन किया। इस संस्था के माध्यम से अंबाला कैन में एक स्थानीय लोगों की मीटिंग रखी गई जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए हैं। टांगरी नदी के पुल के पास में लोगों ने अतिक्रमण किया है और इस अतिक्रमण के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन, हालांकि बाद में अतिक्रमण मालिक ने लोहे से बने शेड को हटा दिया था, लेकिन अभी टांगरी में से मलबे को नहीं हटाया गया है। मेरी सलाह ये है कि जो पिछले साल हम बाढ़ थे वो मतलब हमें इतना परेशान हो गए थे बाढ़ थे कि हमें डिप्रेशन में चले गए थे, इतनी टेंशन हो गई थी बहुत ज्यादा कि मैं तो बिल्कुल एकदम ही हालत खराब हो गई थी मेरी। तो मैं ये चाहती हूँ कि अब कभी ये हाल ना होए और सारे एक साथ मिलके और इसको समाधान इसका करा जाए, टांगरी बंद का बंदा लगाया जाए सरकार को बोल के, जो भी सरकार, हाँ मोदी सरकार जो भी उसको बोल लो, या नैब सैनी है या जो भी हमारी सरकार बन रही है उसको बोल लो। हम किसी की बुराई नहीं करेंगे पर हमारा सबको ही सारे अपने हैं हमारे। हमारी समस्या आज का मुद्दा यही था कि ये जो टांगरी का पानी है, जो बाढ़ आई थी वो बाढ़ ने सभी को बहुत ज्यादा परेशान किया था और सभी के घरों में पानी घुसा था। तो ये सिटीजन ऑफ राइजिंग इंडिया के नाम से जो संस्था बनी है उन्होंने आज मीटिंग रखी थी, इस मीटिंग में कम से कम भी नहीं तो 500 आदमी इकट्ठे हुए हैं और सभी ने अपने विचार प्रकट किए हैं। इसमें मेन मुद्दा यही है कि जितने नाजायज कब्जे टांगरी के अंदर बने हुए हैं उनको हटाया जाए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि कब्जे हो चुके हैं, हटाया जा नहीं रहा है, प्रशासन अपनी आंखें बंद करके बैठा है। गंगा दशहरा का वार्षिक पर्व के मौके पर लाखों श्रद्धालुओं ने मां गंगा और यमुना नदी में श्रद्धा की डुबकी लगाकर पूजा पाठ किया है। मान्यता है कि इस दिन मां गंगा का आगमन पृथ्वी पर हुआ था, इसलिए इस शुभ दिन पर अनेक नदियों और तीर्थ स्थलों पर नदी के जल में डुबकी लगाने की परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है। आस्था के इस पर्व पर सोनीपत के मीमारपुर में श्रद्धालुओं का यमुना नदी पर सुबह से ही पहुंचना शुरू हो गया था। घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी संख्या में भीड़ भी देखने को मिली है।
बढ़ते तापमान और हीट वेव के चलते लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। सुबह से ही हीट वेव का प्रकोप शुरू हो जाता है, जिस वजह से लोग सिर्फ जरूरी काम से ही घर से मुंह सिर पर कपड़ा लपेटकर बाहर निकलते हैं। आपको बताते चले कि लगातार गर्मी का प्रकोप जारी है यहाँ पर, या फिर छाता लेकर जरूरी काम से घरों में लोग निकल रहे हैं और कई लोग जगह जगह मीठे जल की छबील और लस्सी की छबील लगाकर लोगों को गर्मी से राहत भी दे रहे हैं। मौसम विभाग के ने अभी भी कुछ दिन और हीटवेव का अलर्ट शुरू किया, वहीं लोग गर्मी से बचने के लिए जूस और पानी पीकर बचाव कर रहे हैं। इस साल गर्मी ने यहाँ पूरा अतक फैला रखा है। शहर का टेम्परेचर 44-45 डिग्री तक जा चुका है। इससे आम आदमी, काम करने वाले व्यक्ति जिनका रोजमर्रा का काम है, वो सभी परेशान हैं। मैं सभी से प्रार्थना करूँगा कि अपने आप को इस धूप से बचा के रखें, इस गर्मी से बचाएं। आप पेयजल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, पानी पिए, नींबू पानी पिए, अपने आप को डिहाइड्रेट रखें। विक्की है, मैं अम्बाला केंद्र से रहने वाला हूँ। जो गर्मी का ये सीजन चल रहा है, गर्मी इस बार इस साल बहुत ज़्यादा पड़ रही है और लोगों को पानी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। और घरों से लोग बाहर नहीं निकल रहे, कोई काम धंधा हो नहीं पा रहा। और हम तो लोगों को कहते हैं अभी अपने ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना बचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी रहे हैं। बच्चों को भी, परिवार को भी कहते हैं अभी जूस ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। बेल का जूस पी रहे हैं जी, ये ठंडा है, सेहत के लिए अच्छा है। और लोगों को भी यही राय देते हैं अभी अपने घरों में रहें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, स्वस्थ है, अपना शरीर का ध्यान रखें। कैथल पुलिस ने एक युवक से मारपीट कर धार्मिक भावना को आहत करने वाले शब्द बोलने के मामले में दो आरोपियों को काबू किया है। आरोपियों की पहचान जींद जिले के सिंगवाल निवासी ईशु और शेरगढ़ निवासी सुनील के तौर पर हुई है। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा। आरोपियों की धरपकड़ के लिए जिला पुलिस और डीएसपी गुरविंदर सिंह की अगुवाई में 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया था और सीआईए पुलिस, सिविल लाइन पुलिस और साइबर क्राइम की टीम आरोपियों की गिरफ्त में लगी हुई थी। आहत करने वाले शब्द बोले गए थे, जो संदर्भ में सिविल लाइन पुलिस द्वारा मुकदमा भी दर्ज किया गया। दोस्ती लगा लो तो उससे जो भी दिक्कत थी वो हमारे पास आया था, ऐसे ऐसे बात है। तो हमने फिर अपनी टीम से बात की ऊपर, तो उनसे उनकी बात करवाई, तो उसके तहत ये सारा काम हुआ। आज हमारे चीका जंगी भाई या बड़े भाई साहब, उनके दफ्तर में वो आया था, ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने पहले भी कई रेडियां करवाई हैं, उनके पास आते रहते हैं, ऐसे शिकायत करता भी हमें ऐसे ऐसे प्रशासन तंग कर रहा है। वो पहले भी कई रेड करा चुके हैं, सारी सहज हुई है। ये राजौंद के पास गांव है इनका। मामला ये था, एक अपना सुनील कुमार जी है रोडू गांव के, उन्होंने बताया था कि उन्होंने एक कम्प्लेंट दे रखे अपना केस का फैसला हुआ है, तो उसमें कनगो द्वारा की दखल वारंट की तमील की जा रही है, तो वो नहीं कर रहे हैं, जिसके अवज में उन्होंने 14,000 रुपये मांगे हैं, जिस पर उनको हमने 14,000 रुपये रेट के दौरान रंगे हाथों देते हुए पकड़ लिया है। तो क्या कुछ नाम था कानून का? कानून वो रणजीत सिंह जी हैं, ये उप तहसील रंजौंद के हैं। सर कहाँ से पकड़ा गया? ये तहसील उप तहसील रंजौंद से पकड़ा गया। कितनी रिश्वत मांगी थी? 14,000 रुपये मांगी थी और 14,000 रुपये किस काम के लिए दी? ये इन्होंने, इनका एक वारंट दाखिल था, तो जमीन का बंटवारा हुआ था। हरियाणा में एंटी करप्शन ब्यूरो लगातार भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसते हुए नजर आ रहा। इसी कड़ी में कैथल जिले में भी एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा राजौंद तहसील में कार्यरत एक कानूनगो को 14,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो के इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह ने भी बताया कि उनके पास गांव रोहिड़ा निवासी सुमित जागलान अधिवक्ता की शिकायत आई थी। कानूनगो रणधीर सिंह उसके जानबूझ चक्कर कटवाता रहा और आखिर में उसे 14,000 की डिमांड करने लगा। कानूनगो से परेशान होकर इसकी शिकायत अंबाला के एंटी करप्शन ब्यूरो कार्यालय को दी गई, जिस पर संज्ञान लेते हुए इंस्पेक्टर सूबे सिंह ने अपनी टीम के साथ में राजौंद उप तहसील से कानूनगो रणधीर सिंह को सुमित जागलान से 14,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। तो
एक इंसिडेंट हुआ था जो क्वार्टर से, तो वहाँ पे एक विक्टिम था सुखविंदर, उनके साथ दो लोगों ने हाथापाई की थी और उनको धार्मिक भावना आज करने वाले कुछ वर्ड बोले थे, तो उसमें हमारी तरफ से तभी कार्रवाई की गई थी। हमारी तरफ से SID DSP गोविंदर जी के अंदर में SID बनी थी जिसमें 5 मेंबर की थी। उसके अलावा भी हमारी SHO सिविल लाइन है उनकी 2 टीमें थी, उसके अलावा CAE की 3 टीमें थी और साइबर सेल, इन सब की मेहनत से काफ़ी फुटेज चेक की गई थी। जो अक्यूज थे अननोन थे, विक्टिम उनके बारे में नहीं बता पाया था कि कौन अक्यूज है, 2 बाइक पे थे। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के जल थल और वायुसेना के अध्यक्षों की शपथ ग्रहण समारोह में 6ठी पंक्ति में स्थान दिया गया, जबकि फिल्मकार और बड़े बड़े उद्योगपति शपथ ग्रहण समारोह में 2री पंक्ति में विराजमान थे और ये एक तरह से हमारे सैनिकों का अपमान है। आज अपना हमारा ये ठीक है या सिंपल बोलिए हटा दो। आज हमारा धन्यवादी सभा झज्जर विधानसभा क्षेत्र और बादली विधानसभा क्षेत्र की हमारी एक कार्यकर्ता मीटिंग के माध्यम से हमने सबका धन्यवाद किया, क्योंकि ये जीत लोगों की जीत है, ये जीत रोहतक लोकसभा क्षेत्र के 36 बिरादरी के लोगों की जीत है, ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है। मेरा तो केवल एक नामित के रूप में एक उम्मीदवार जरूर था मैं। आपको बताते चले कि केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा गया है और साथ ही वार पलटवार का सिलसिला भी लगातार जारी है। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर के आदेशों पर डीएसपी नायब सिंह और साथ ही डीएसपी सुभाष चंद्र ने नशा मुक्त भारत पखवाड़ा के तहत लोगों को नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया है। इस मौके पर सभी लोगों को नशा ना करने को लेकर जागरूक किया गया। इस मौके पर डीएसपी नायब सिंह ने कहा कि ये टीम आमजन को नशीली दवाइयों और नशीले पदार्थों के शरीर पर होने वाले दुष्परिणामों और दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि जिला पुलिस के इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आमजन को नशे की बुराइयों से अवगत करवाते हुए कहा कि नशे के आदि युवाओं को नशे से दूर कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। हमारे कल्चर दिन मनाया जाता है, इसी के संबंध में माननीय पुलिस महानिदेशक के आदेश अनुसार 12 जून से 26 जून तक पूरे हरियाणा में नशा मुक्त पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी प्रोग्राम के अंतर्गत जिला पुलिस अधीक्षक श्री दीपक सारण के आदेश निर्देशानुसार आज इंद्री में भी नशा मुक्त अभियान के तहत प्रोग्राम किया गया है, जिसमें काफ़ी लोगों ने हिस्सा लिया है और लोगों ने प्रतिज्ञा की है कि वे ना तो नशा करेंगे और ना ही किसी को नशा करने देंगे। तो समय समय पर अभियान चलाती रहती है पुलिस की केस पर, ये अभियान इसी तरह ही आगे भी कंटिन्यू जारी रहेगा। 12 से 26 तक का विशेष नशा मुक्ति अभियान चलाया गया है, एक ही शुरुआत है, इसको बड़े स्केल पर लेके जाएंगे। इंद्री थाना के जितना भी थाना क्षेत्र है जिनमें गांव पड़ते हैं उनमें सभी में स्कूल खुलने के बाद में विशेष अभियान के तहत स्कूलों में भी अभियान चलाया जाएगा और मेरी आपके चैनल के माध्यम से आपके माध्यम से सभी से अनुरोध है कि इस नशा मुक्त अभियान के अंदर। गंगा दशहरा के अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण ने इंद्री हल्के यमुना नदी में स्नान किया। इस मौके पर इंद्री के कई यमुना नदी के घाटों पर सुबह से ही लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं की सबसे ज्यादा संख्या नबियाबाद गुरुद्वारा के पास बने घाट पर देखने को मिली है। इसके साथ ही वहीं पर गुरुद्वारे में लंगर की भी व्यवस्था शुरू कर दी गई। आज गंगा का माता का दिन है जी, सुबह हुआ बहुत अच्छा लगा जी, मानना माता का प्रसाद बंटा ना का जा जी, यहाँ से माता रानी सब पर कृपा करा, इसकी बहुत मेहरबानी हुआ
माता रानी की जी, इससे सब काम बढ़िया हुआ, अच्छे हुआ, जो कोई सच्चे दिल से मानना जी तो सब का बढ़िया अच्छा वो करा जी। तो आज के दिन गीत भी महिलाएं गाती हैं, कोई गीत है याद आपके जो? जी गीत गाते दिन माता रानी सब का भला करा, ठीक है जी, सब अपने मन्नता पूरी करा जी सबकी, बस यही मार तो मेरा कृपा माता रानी है ना। हम मैं जो मेरे साथ है, मेरी 14 सहेलियां और आई हैं, जिसमें मेरी देवरानी जिठानी भी है, मेरी बहनें भी हैं, ठीक है। तो हम सब यमुना जी पे बड़े उत्साह के साथ आए है ना, और बाई चांस हमारा प्रोग्राम बना और बड़े अच्छे से खुशी खुशी से भजन गाते हम यहाँ पे आए हैं। हे यमुना मैया, जैसे तेने हम खुश करा सबकी मनोकामना को, और हमारे है कहाँ से आए हम? कुरुक्षेत्र से आए हैं। ये जो परिवार है, हाँ, या ये बहने, हाँ, अलग अलग उससे हैं? हाँ जी, हाँ जी, अलग अलग उससे हैं, सब कुरुक्षेत्र से हैं। अच्छा। सब कुरुक्षेत्र से हैं जी। कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह का कम देखने को मिलता है, जब बहने इकट्ठी होकर कहीं जाती हैं? हाँ जी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है जी। गंगा जी के दर्शन और गंगा जी में स्नान हमने बहुत बार किया था। जितनी भी संगत दूर से आती है, और ये जो सा ये गुरुद्वारा है, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारे में उनका लंगर पानी, चाह पानी, अब चाह का लंगर चल रहा है, इससे बाद लंगर तैयार हो जाएगा, वो लंगर भी चलेगा। जो स्नान करके संगत यहाँ से आते हैं और यहाँ से लंगर पानी छक के मत्था टेक के फिर अपने जाते हैं यहाँ से, और आए साल की तरह, ये कोई पहला काम नहीं है, आए साल की तरह कम से कम जिसमें हमारा राष्ट्र। पंजाबी रामलीला मैदान में आपको बताते चले कि एक युवती ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। सूचना पर थाना प्रभारी राजकुमार, चौकी प्रभारी सुरेश कुमार, फॉरेंसिक विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सबूत भी जुटाए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार उस समय घर में कोई नहीं था। 22 साल की संगीता ने जनवरी 2024 में अपनी मर्जी से रवि पुत्र रामेश्वरवासी गांव गुलारपुर थाना के साथ में प्रेम विवाह किया था। मृतका के पिता का भी आरोप है कि उनकी लड़की संगीता को उसके पति रवि, उसके ससुर, सास और नंदों ने दहेज के लिए गला घोटकर मार दिया है। सूचना मिली थी कि एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है। मैं अपने दलबल के साथ मौका पर पहुंचा, SHO साहब को सूचना दी, SHO साहब भी मौका पाई, फॉरेंसिक टीम को बुलाया। इस लड़की ने जी शादी की थी जनवरी 2024, मुकदमा दर्ज करवाया था, करके नगर से वो प्रोटेक्शन लेके इनने वापस, तब से ही यहाँ अपने पति के साथ रह रही थी। इसका पति रात को बाहर गया हुआ था और इसने सुसाइड किया है। बाकी घर वालों को सूचना दी हुई है, मौके पर आने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।